मेरे ख्याल से अभी ये वक्त नहीं है इन चीजों को करने का, अभी काम करने का वक्त है। तो अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि कैसे प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। और मेरा ये मानना है कि अभी दिल्ली की केवल बात नहीं है, पंजाब की केवल बात नहीं है, पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही तरह का प्रदूषण का स्तर बना हुआ। आज मैंने सुबह चेक किया उत्तर भारत के सभी राज्यों का जो प्रदूषण का स्तर है, तो 12 ऐसे जिले हैं जो या तो वेरी पुअर कैटेगरी में है या सीवियर कैटेगरी में, हरियाणा के हैं। 14 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के हैं, या तो वेरी पुअर में है या सीवियर कैटेगरी में है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी बनी हुई है। तो पूरे उत्तर भारत की एक ही स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग बुलाने की जरूरत है, जिसमें एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाए। ग्रैप 4 का ऑलरेडी CAQM का जो आदेश है वो लागू हम कर रहे हैं, और क्या किया जा सकता है। क्योंकि दिल्ली में हम सेपरेट कंट्रोल करेंगे तो उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चारों तरफ एक साथ जब समस्या चारों राज्यों की एक तरह की है तो समाधान मुझे लगता है कि सामूहिक इस समय करने की जरूरत है। और ये वक्त ऐसा है कि जो जो कुछ कर सकता है, दिल्ली सरकार जो कर सकती है कर रही है, जो LG साहब कर सकते हैं वो करें, केंद्र सरकार जो कर सकती है वो करें, यूपी की सरकार जो कर सकती है वो करे, हरियाणा की सरकार जो कर सकती है वो करे, पंजाब की सरकार जो कर सकती है, अभी करने का वक्त है। बाकी हिसाब किताब तो प्रदूषण कम हो जाएगा तब भी कर लेंगे। सर ये कहा गया था कि ऑडिबल लगाया जाएगा, 424 अभी AQI है, ये कहा गया था कि 450 के आसपास हो तो विचार करेंगे, तो अभी मौजूद स्थिति क्या है? अभी ऐसा अनुमान लग रहा है कि कल से प्रदूषण का स्तर कम होगा, तो अभी सभी चीजों को सरकार मॉनिटर कर रही है। लेकिन एक थॉट अभी और इमर्ज किया है कि अगर पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति है, कोई एक मेजर केवल दिल्ली में लिया जाएगा उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार इस पर बैठक बुलाए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रियों की, एक्सपर्ट्स की, और पूरे उत्तर भारत के लिए जो भी मेजर लिए जाए पूरे उत्तर भारत के लिए लिए जाए। जब सभी राज्यों में एक ही तरह की कार्रवाई होगी तो उसका इम्पैक्ट जो है दिल्ली में ज्यादा दिखेगा।